किसान वीरो राम राम सत श्री अकाल नमस्कार सारे किसान भरावां दा ट्रैक्टर्स एंड खेती टैक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज तो मोस्ट वेलकम है। तो मैं आशा करता कि मेरे सारे किसान भीर ठीक ठाक वधिया होणगे। तो जो अपनी अज की वीडियो है काफ़ी ना किसान वीरां दी डिमांड आँदी गई ही आँदी पई ही भी भाजी तुसीं जिहड़ा अर्जुन 605 है पहले इनलाइन पंप जाता रहा तो हूँ तो चलो बंद ही हो गया इनलाइन पंप वाला। तो जिहड़ा नवा CRDI आया एक तो नोवो आया CRDI तो एक आया अर्जुन CRDI 605 उहदी वीडियो बनाओ। तो उहदी वीडियो किसान वीरो लैके तुहाडे लई ना आ गए अज्ज आपां। आह देख लो पहले जिहड़ा अर्जुन ही ना अल्ट्रा 1 आंदा रहा जदों इनलाइन पंप जी ही हूँ जदों का कंपनी ने इहनूं CRDI इंजन च करता कॉमन रेल डायरैक्ट इंजैक्शन CRDI दे मीनिंग उदों दा ना महिंद्रा अर्जुन 605 DIPP पावर प्लस मीनिंग अल्ट्रा 1 है जिहड़ा कटदा विचों CRDI च आउण तों बाद। तो जिहड़ी ट्रैक्टर की मीनिंग इंजन है वह भी तुहानूं दिखाउंदे आ खोल के। तो पहले मैं टायर दस दिंदा जिहड़े ट्रैक्टर च दित्ते दे पहले वाले ही है 7/50/16 फ्रंट तो 16/9/28 बैक तो 2 स्पीड है सेंटर जी दे गेयर है ट्रैक्टर दे ठीक है। तो बाकी साइड से क्रोम वगैरह आती है जिदा पता ही है तुहानूं आ जिहड़े लाए दे हुंदे आ कवर बहुत वधिया लगदे आ। इहदा भी तुहानूं ना पहले मीटर ऑन करके तो चाबी ऑन करके दा मीटर वगैरह दिखाने किदां दा मीटर चेंज किया कंपनी ने ना मीटर चेक करा दें यदा भी पहले ए देख लो ए देखो ये मीटर फुली डिजिटल मीटर है ये भी ना जिहड़ा नोवो च आता पाया वही मीटर ये बाकी जिहड़े इहदे च 3 मोड है आ देखो एक है डीजल सेवर तो करांगे तो डीजल सेवर जग जाना ग्रीन लाइट नॉर्मल तो करांगे तो नॉर्मल दी ग्रीन लाइट जग जानी है तो जे आपां पावर ते करांगे तो पावर दी लाइट जग जानी है ठीक है। तो ये तो हो गया इहदा मीटर वगैरह इह दस्से करदा भी किन्ना चलिया ट्रैक्टर ट्रिप मीटर है RPM मीटर है फ्यूल मीटर है इहदे च टैंपरेचर मीटर है ठीक है सब कुछ हैगा। तो बाकी मीटर कर दें आप चाबी बंद करके ना जी तो हूँ तुहानू इहदा पहले उपरों दिखाने देख लो शो खोल के इहदा इंजन वगैरह दिखाने चेक कराने तो फिर इहदी बाकी जानकारी देंगे ट्रैक्टर की PTU HP वगैरह किन्नी आ की हैगा जो भी इधरों देख लो हूँ पहले मैं इहदी ना शो खोल लैंदा फिर तुहानू दिखाना। जिहड़ी शो खोलदी है पहले शो उपर नूं खुलदी है मैनुअल है जिहड़ा नोवो आंदा उहदे च उह प्रैशर वाली जैक है तो मैनुअल है तो शील्डां भी लाइयां जिहड़ियां साइड ते हुंदियां ना। तो आह देख लो इहदा उपरों सिस्टम वगैरह इहदा इंजन दिखा दिंदा तुहानू मैं CRDI वाले दा आह देख लो CRDI दा मीनिंग है किसान वीरो कॉमन रेल डायरैक्ट इंजैक्शन ए कॉमन रेल बनी दी है ठीक है पूरी कॉमन रेल है। तो आह थल्लों देख लो इहदा थल्लों है 2 नोजलां तो 2 नोजलां थल्लों डीजल लैंदियां तां पंप लगेदा ठीक है। तो इस रेल च भर दिंदियां पूरा डीजल ला तो उत्तों एक्सट्रा अगे 4 नोजलां लगियां वो फिर इहदे चों 4 नोजलां अलग अलग पिस्टन दे जिदा 4 सिलेंडर है ना पिस्टन दे नोजल जांदी आ तो पूरे प्रैशर नाल तेल माल तेल आ जिहा मारदी तो जिहड़ी तेल दी एडजस्टमेंट है कि किन्ना बजना किन्ना नहीं वो सेंसर लगे दे आ विच इंजैक्टर फुली इलैक्ट्रॉनिक उहदे हिसाब नाल कंट्रोल हुंदा तो यही सिस्टम है इहदा ठीक है। तो बाकी EGR भी लगा देख लो आ मोटर है EGR वाली इमिशन कंट्रोल इनफॉर्मेशन EGR का मीनिंग है एग्जोस्ट रीसरकुलेशन गैस जिहड़ी एग्जोस्ट इहदे सिलेंसर चों वाधू गैस कई निकलती है वह फिर इधर नूं आ के इत्थों रीसरकुलर होकर अगे चल जाती है ये इंजन दी। बाकी है एक थले फिल्टर है एक उपर है तो इहदा एक ना होर है भी जे तेल तूल मुक जाए जे तेल भी मुक जाए तो कोई घबराने की चिंता नहीं वैसे मुक्कण ना दिओ तुसीं जे मुक जाए तो थले लगा सिस्टम इहनूं खोल के ना तुसीं तो उत्तों आया जिहड़ा पंप खोल के पूरा तो बज जांदा ठीक है। मैं कोशिश करनी है भी तेल मुके ना यह नट ढिला करके तो इनू करो तो हो जाता काम पंप मारो। बाकी जिहड़ा तां फ्रंट एक्सल है ना देख लो एडजस्टेबल है कई मॉडलों CRDI वाले च नॉन एडजस्टेबल भी आता अर्जुन च लेकिन यह एडजस्टेबल है वो तुसीं देख लेना भी किहड़ा चाहिए तुहानू एडजस्टेबल एक्सल चाहिए या नॉन एडजस्टेबल दोनों ही आते हैं इस मॉडल च। बाकी इधरों देखो इहदा इंजन नोवो वाला इंजन ही है जिहड़ा नोवो च नहीं आता महिंद्रा CRDI उही है तो सिलेंसर भी चेंज है। तो ये तो दिखाता तुहानू मैं इंजन वगैरह ठीक है
तो हम शो आप कर लें बंद तो बाकी जानकारी देने ट्रैक्टर के बारे। ठीक है ये बाकी ये टायर वगैरह देख लो, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला लीवर है, डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी है, वह भी दिखा दो। बैटरी ना बाहर वाली साइड करती है कंपनी ने, पहले शो के अंदर आती रही है कई बैटरी इतने फ्रंट से, हम फ्रंट तो बाहर करती है बैटरी। फ्रंट वाली वैसे एक गल वधिया भी होंदा भी चोरी चोरी होने का खतरा घट हों, तो बाहर थोड़ा जिहा खतरा रहिंदा, तो बाकी एक गलों बाहर सुख यह है भी जे रब ना करे कोई भी खराबी जां बैटरी चैक करनी खोल के इतों चिड़ी जी खोलो तो चैक कर लो, खुला डुला एरिया इतने जो हो तो इतने बच्चे सामने हाथ ही नहीं जाता मीनिंग सही तरह ना, हाँ को जरा 605 है वो बैटरी फ्रंट पर है, तो जो आने कोई समस्या आती है तो इन्नी कि ज़्यादा समस्या आती है ना, जां तैनूं पूरी जाली नूं बाहर कढ़ो फेर करके, तो मीनिंग ये चीज़ वधिया लगती है मैनूं सेफ्टी के लिहाज नाले, अंदर बैटरी वधिया तो जो उदा तुसीं कंफर्टेबल देखना भी खोलन मेलन चो बाहर वधिया, दोनों के अपने अपने वो है एडवांटेज है डिसएडवांटेज है। ठीक है बाकी ये शो तो मीटर वगैरह तो उन्होंने दिखाता है पहले, ठीक है ना, तो हूँ ये देख लो ये चलने बैक हिस्से से ट्रैक्टर के बैक पर जाके बैक देख लो, तो जो ट्रैक्टर है ना किसान भीरो जी मैं दिखानी ही तू ट्रैक्टर की PTO HP वो है यदि 40.2 किलोवाट से, तो 54 PTO HP आ 60 HP इंजन की आ, मीनिंग 60 HP कैटागरी आ, 57 इंजन की HP आ, तो 54 HP PTO की, तो SFC है जी 264 है ट्रैक्टर की। ठीक है तो बाकी डबल DD बाल दिते दे देख लो, कोई भी प्रैशर वाला इंप्लीमेंट चलाना तो चला सकते हो बड़े आराम नाल, तो इधर आ पंप है डिस्ट्रीब्यूटर वाला, तो लीवर मैं दिखाई दिता तुम्हें अगर लिंक वगैरह ये बाकी दिया थोड़िया जी तुम जगा के हजार लाइटा जगा के दस दें देख लो। यदि साइड वाले इंडिकेटर ऑन हो गया, ठीक है आ देख लो, तो फ्रंट वाली लाइटा भी ऑन करके दिखा दें देख लो, ये फ्रंट लाइटा ऑन हो गई जी ट्रैक्टर की, तो बाद बैक वाली भी दिखा देना तुम्हें सिस्टम है जोड़ा, बैक लाइट इतों ही ऑन है ये जी है ना वो देख लो बैक, जी ये बैक वाली लाइट है इतने ही सोच दिते दा मगर ए देख लो, ठीक है ए सोच दिता उपर इतों जगदी बंद होती है, बाकी जगे सर आवाज चेक करो किसान मेरे ट्रैक्टर की, इधरों चेक करो रेस टेबल दिखा देना थोड़ी, आवाज भी बड़ी दी जबरदस्त है उपर दिखा देना थोड़ा जहा, नॉर्मल दे पावर से करने हैं बाकी चेक करो क्या करनी है, काफ़ी ज़्यादा चेक करनी भी देखिए सर, मीनिंग वधिया ट्रैक्टर भारा ट्रैक्टर लगता पा, ठीक है देखो चाबी तो बंद ही तो चाबी तो स्टार्ट चाबी तो, ठीक है ये बहुत वधिया गड्डियां वाला फीचर है पूरा,
तो यही कुछ जानकारी ही दी। तो बाकी जो गल करिए सीट की तो एडजस्टेबल अगे पिछे कर सकते हो अपने हिसाब न। तो डीजल टैंक है जोड़ा मेरे ख्याल में 60 लीटर का डीजल टैंक है जी ट्रैक्टर ना। तो बाकी जे रही गल रेट की प्राइस की तो तुम अपने एरिए का जो डीलर है ना ताे लागे डीलर लगते जे तो उन्हें को पता कर लो सही प्राइस। तो बाकी जो मैं पता चल गया तो आइडिया एक मैं भी दे दाँगा भी कि प्राइस है तो कमेंट बॉक्स पूछ लो जो मैं पता चलिया तो एक आइडिया दे दाँगा अप्रोक्स बाकी थोड़ा बहुत उपर थले हो सकता। तो ठीक है मिलते हैं फिर किसी नवी वीडियो नवी जानकारी के साथ।